दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेवा इंडिया न्यूज पर। और चलिए देखते हैं आज की यह खबर। रक्तदान गो सेवा संगठन मंडला ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन। ग्राम ककैया में लगा पहली बार ब्लड डोनेट कैंप। लॉकडाउन के चलते जहां लोग घर से निकलने में परहेज कर रहे हैं, वहीं संगठन के रक्तवीरों के द्वारा ब्लड डोनेट कैंप लगाया जा रहा है। क्योंकि संगठन में बहुत से लोग गांव से जुड़े हुए हैं और लॉकडाउन के चलते जिला चिकित्सालय तक पहुंचने में असुविधा हो रही है, तो शासन की गाइडलाइन का पूरी तरीके से ध्यान रखा जा रहा है। यह कैंप का सफल आयोजन हुआ। रेवा इंडिया न्यूज़ के लिए कमलेश मिश्रा की यह रिपोर्ट। रक्तदान गौ सेवा संगठन के माध्यम से ककैया इकाई के यहाँ पे आज ब्लड डोनेट कैंप लगाया गया है। चूंकि जिला हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग आते हैं और लॉकडाउन का जो समय पीरियड चल रहा है, तो गांव से व्यक्ति निकल के और जिला हॉस्पिटल पहुंच के और रक्त दे पाए, ऐसा संभव नहीं हो पा रहा। इस कारण से आज कैंप यहाँ पे लगाया गया 10 तारीख को ककैया में, इसके बाद 12 तारीख को अंजनिया में लगाया जाएगा, 14 तारीख को घुघरी इकाई के द्वारा लगाया जाएगा। क्योंकि ये इकाइयों में हमारे संगठन के सभी लोग फैले हुए हैं, सभी लोग नियमित रक्तदाता हैं और अभी लॉकडाउन के चलते हुए वो घर से नहीं निकल पा रहे हैं और व्यक्ति को खराब होती जिला हॉस्पिटल में उनको जरूरत पड़ती है। तो चूंकि हम अन्य जो डोनर हैं उनको बुलाने में थोड़ा हिचकिचाहट हो रही, क्योंकि लॉकडाउन में हम चाहते हैं कि लॉकडाउन का पालन सभी लोग करें और अपने घर में नियमानुसार जो शासन की गाइडलाइन है उसके द्वारा रहें। चूंकि हमारे संगठन के माध्यम से प्रतिदिन हर एक इकाई में सेवाएं चल रही है, रक्तदान तो चल ही रहा, साथ में गाय माता के लिए भूसा की और रोटी की व्यवस्था की जा रही है और आवारा कुत्तों के लिए बिस्किट और रोटी की व्यवस्था की जा रही है, बंदर के लिए चारे की व्यवस्था की जा रही है, पल्ली की व्यवस्था की जा रही है। ऐसे संगठन के माध्यम से सेवाएं चालू हैं, लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि भैया जो गांव के लोग हैं वो भी रक्तदान कम से कम कर सकें, इसलिए ये कैंप यहां पे आज लगाया गया। भारत दोस्तों, मैं हूं कमलेश मिश्रा और आप मेरे साथ देख रहे थे रेवा इंडिया न्यूज। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, टाइप करिए www.revaindianews.com। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो उसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।